أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. प्यारे स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम. आज एक नए टॉपिक के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर है. आज का हमारा टॉपिक है हार्मोनिक सीक्वेंस. हार्मोनिक सीक्वेंस और हार्मोनिक प्रोग्रेशन. हार्मोनिक प्रोग्रेशन हार्मोनिक प्रोग्रेशन या हार्मोनिक सीक्वेंस कौन सा सीक्वेंस है? तो हार्मोनिक सीक्वेंस वो सीक्वेंस होता है जिसका अगर हम रिसिप्रोकल ले ले तो हमारे पास बन जाए वो सीक्वेंस अर्थमेटिक सीक्वेंस. अगर हम किसी भी सीक्वेंस का रिसिप्रोकल ले ले और वो हमारे पास अर्थमेटिक सीक्वेंस बन जाए तो इसको हम कहते हैं हार्मोनिक सीक्वेंस. सो अ सीक्वेंस हूज रिसिप्रोकल form an arithmetic sequence is called a harmonic sequence. O sequence jiska agar hum reciprocal le le aur O hamare paas arithmetic means ban jaye to isko hum kehte hain हार्मोनिक सीक्वेंस. फॉर एग्जाम्पल देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल 1/2, 1/4, 1/6, 1/8 एंड सो ऑन. इसी तरह एक दूसरा फॉर एग्जाम्पल दूसरा हमारे पास सीक्वेंस है 1/2, 1/5, 1/8 एंड सो ऑन. इसी तरह एक तीसरा भी लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल तीसरा हमने सीक्वेंस लिया 1/1, 1/2, 1/3, 1/4 एंड सो ऑन. अब देखते हैं क्या ये तीनों हमारे पास हार्मोनिक सीक्वेंस है या नहीं. तो हार्मोनिक सीक्वेंस के लिए सबसे पहले इसी सीक्वेंस का हम रिसिप्रोकल लेंगे. फॉर एग्जांपल हमारे पास फर्स्ट सीक्वेंस है ये. अब इसका रिसिप्रोकल ले ले. सो टेकिंग रिसिप्रोकल. अगर हम इसका रिसिप्रोकल ले ले सो 2/1, 4, 6 8 एंड सो ऑन ये बन जाएगा. लेकिन डिफिनेशन में मैंने कहा है कि अगर हम इसी सीक्वेंस का रिसिप्रोकल ले ले तो हमारे पास आ जाएगा आर्थमेटिक सीक्वेंस. अब देखते हैं क्या इसका कॉमन डिफरेंस सेम आता है कि नहीं. तो यहाँ पे ये ए फर्स्ट एलिमेंट, ये ए सेकंड एलिमेंट, ये ए थर्ड एलिमेंट और ये हमारे पास है ए फोर्थ एलिमेंट. अब कॉमन डिफरेंस यहाँ पे है ए टू माइनस ए वन. सो कॉमन डिफरेंस हमारे पास आ जाएगा 4-2 विच इज इक्वल टू 2. अब देखते हैं क्या इन दोनों का कॉमन डिफरेंस क्या आता है. ए 4-3. सो ए 4 इज इक्वल टू 8-6 विच इज ऑल्सो इक्वल टू 2. देखिए आप ये दोनों कॉमन डिफरेंस हमारे पास सेम है सिंस कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 2. दोनों सेम है तो ये हमारे पास क्या बन गया एक ऑर्थमेटिक सीक्वेंस. सो इसका रिसिप्रोकल मींस ये हमारे पास बन गया सो हार्मोनिक सीक्वेंस. सो गिवन सीक्वेंस इज अ हार्मोनिक सीक्वेंस. इसी तरह अगर हम ये शो करें क्या ये हमारे पास हार्मोनिक सीक्वेंस है या नहीं. सो इसका रिसिप्रोकल ले ले.
अगर रेसिप्रोकल अर्थमेटिक मीन अर्थमेटिक सीक्वेंस आ जाए तो ये हमारे पास हार्मोनिक सीक्वेंस होगा। सो 2, 5, 8 एंड सो ऑन आर एनो एपी, क्योंकि हार्मोनिक सीक्वेंस का रेसिप्रोकल हमेशा अर्थमेटिक सीक्वेंस में आएगा। सो इसका कॉमन डिफरेंस ले लें, सो A1, A2 एंड A3, सो A2 - A1, सो डी हमारे पास आ जाएगा 5 - 2, डी इज इक्वल टू 3। अब देखिए यहाँ पे कॉमन डिफरेंस हम इस तरह भी फाइंड कर सकते हैं, डी इज इक्वल टू 8 - 5, डी इज इक्वल टू 5 से 8 से 5 माइनस करें 3। सो देखिए अगेन कॉमन डिफरेंस इज सेम, सो इट इज एन अर्थमेटिक सीक्वेंस, सो इट इज एन अर्थमेटिक सीक्वेंस मींस 2, 5, 8 हमारे पास क्या है, ये हमारे पास अर्थमेटिक सीक्वेंस है। सो इसका रिसिप्रोकल, सो एट्स रिसिप्रोकल इज अ हार्मोनिक सीक्वेंस। इसका रिसिप्रोकल क्या आएगा, 1/2, 1/5, 1/8 एंड सो ऑन, ये हमारे पास क्या आएगा, ये हमारे पास आ जाएगा हार्मोनिक सीक्वेंस। इसी तरह हमारे पास ये थर्ड सीक्वेंस है, अब देखते हैं क्या ये भी हमारे पास है या नहीं, अर्थमेटिक सीक्वेंस है जो हो, हार्मोनिक सीक्वेंस है या नहीं, तो इसका भी हम रिसिप्रोकल लेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे 1, अब इसका रिसिप्रोकल ले ले तो क्या आएगा, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। तो बाय डिफिनेशन ये हमारे पास आ जाएगा अर्थमेटिक सीक्वेंस, क्योंकि मैंने पहले भी डिफिनेशन में कहा कि हार्मोनिक सीक्वेंस का रिसिप्रोकल हमेशा हमारे पास आ जाएगा अर्थमेटिक सीक्वेंस में। तो अब वो देखते हैं इसका कॉमन डिफरेंस, यहाँ पे ये A1, ये A2, ये A3, ये A4 एंड सो ऑन। तो कॉमन डिफरेंस हमारे पास है A2 - A1, सो कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 2 - 1, डी इज इक्वल टू 1। अब वो डी को हम इस तरह भी फाइंड कर सकते हैं, A3 - A2, सो 3 - 2, 3 इज इक्वल टू 1। अगेन कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 1, दोनों में कॉमन डिफरेंस सेम है, तो ये भी हमारे पास अर्थमेटिक सीक्वेंस बन गया और ये हमारे पास बन गया हार्मोनिक सीक्वेंस। तो याद रखें हार्मोनिक सीक्वेंस के लिए जरूरी ये है कि उसका रिसिप्रोकल हमेशा आ जाए अर्थमेटिक सीक्वेंस।